भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार को सीकर से भाजपा प्रत्याशी रतनलाल जलधारी के विजय संकल्प सभा में कांग्रेस पर जमकर बरसी। राजे ने कहा कि वादा खिलाफ करना कांग्रेस की डीएनए में है। कर्जा माफी का वादा, बेरोजगारी को रोजगार, बेरोजगारियों को भत्ता का वादा, बिजली देने के वादे सहित अन्य वादे कांग्रेसियों ने किए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। राजे ने भाजपा के शासन में सीकर जिले व शहर में किए गए विकास कार्यों की गिनती गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस की सत्ता में आते ही उन विकास कार्यों को बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने राजस्थान के विकास को रोक दिया है। 27 लाख किसान हैं जिनको 8,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने का काम हमारी पार्टी ने किया पिछले सरकार में। यहाँ भी करीबन 7,000 किसान ऐसे हैं आपके सीकर में जिनको कर्जा माफ तो किया ही किया, परंतु उसके साथ साथ उनको सर्टिफिकेट भी दिया, तो बहुत सारे काम हुए, मैं बहुत खुश हुई। और जब चुनाव चला तो चुनाव के 2 दिन पहले आप लोगों के बीच में मालूम नहीं कौन कौन लोग आके कानाकूसी करके गए।